रनिंग करते हैं लेकिन अच्छा राइड नहीं करते तो उसका फैट ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा देखो फैट है नहीं, मैंने डाइट को अपना SSCED तो 5 किलोमीटर रनिंग तो अभी फिजिकल के लिए बहुत सारे साथी तैयारी कर रहा है, तो 1600 मीटर जो अग्निवीर में रनिंग होता है तो 1600 मीटर हो 5 किलोमीटर हो उसमें हम अच्छा डाइट कैसे करें रनिंग के लिए। डाइट करना तो बहुत जरूरी है, अगर डाइट नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में ठीक ठाक कार्य गठन ठीक ठाक नहीं होगा। आपका रनिंग करने हुए जब रनिंग करेंगे तो आपका दम ज़्यादा नहीं होगा, अपने बॉडी पर ज़्यादा बीमार बुखार आ सकता है, तो अच्छे डाइट करना जरूरी है। एक बात हमेशा बोल दूँ, रनिंग करने के बाद आप फैट स्नैक्स जाती हो जिनिस ना खाइए, तेल जाती हो जिनिस अगर खाए तो आपका बॉडी में बहुत ही नुकसानदायक बीमार हो सकता है। तो आप कुछ डाइट मैंने प्लान करके रखा है, इस डाइट को आप करें और अपना स्वास्थ्य हेल्थी को बनाओ, अपना बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और मजबूत बनाओ। बहुत सारे साथियों को मैंने ऐसे देखा कि रनिंग करते हैं लेकिन अच्छा डाइट नहीं करते तो उसका फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा देखो फैट है नहीं, मैंने डाइट को अपना बहुत ही अच्छे से प्लान टाइम चालू किया और मैंने अपने दिमाग से अपने प्लान को बनाया, तो इसे भी आप समझो। देखो रात में चना और किशमिश ये भिगा कर रख देने, सुबह जब रनिंग करेंगे रनिंग करने के बाद आप घर जाकर चना का पानी पहले पी जाओ और चना और किशमिश उसे खाकर पेट भरती कर लो, ये हमारा बहुत ही बॉडी बना देते हैं। गरीब घर का लड़का ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन ज़्यादा खाना केला होता है अंडे होता है जो चिकन वगैरह मछली ये नहीं खा पाता है तो उसका क्या बॉडी नहीं बनेंगे रनिंग नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर विचार किया और ये बनाया। तो डाइट कैसे करें, डाइट के लिए देखो सुबह एक्सरसाइज करने के बाद चना और किशमिश का पानी तो हो गया, उसके बाद अगर घर में मुर्गा है मुर्गी है तो अंडा जरूर खाना, एक अंडा को ऑमलेट करके या सिद्ध करके आप जरूर खा लेना, और अगर केला है तो एक जरूर खाना, अगर नहीं है तो उसे बात दो, आपका भात में रोटी में काम चल जाएगा। तो उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करने के लिए हमारा जो दाल होती है, दाल मसूर का दाल हो या अपने चना का दाल हो उसे ज़रूर खाइए, दोपहर में भात खाइए सब्जी खाइए ज़्यादा सब्जी शाकाहारी खाइए, रात में जब आप खाना खाएंगे तो उसमें रोटी ज़रूर खाना, इसमें हमारा रनिंग के बहुत ही लेग का जो मसल्स होती है शरीर का मसल्स होती है इसे बहुत ही सॉफ्ट और हेल्थी बना देती है, रोटी खाने से बहुत बढ़िया फायदा है, रोटी ज़रूर खाना। और उसके साथ चना का दाल है ना जो हमारे बांग्ला भाषा में बूटेड दाल कहते हैं, तो उसे चना का दाल हिंदी में चना का दाल आप ज़रूर रोटी के साथ खाना, और अगर आपके घर में कोई भी और जाती हो दाल है जैसे मटर है और भी सब्जियां है तो उसके अगर डाल जाती हो जिन्हें ज़्यादा खाना, उसमें हमारा मसल्स बहुत ही ताकतवर बन जाता है। नेक्स्ट है अगर आपके घर में दूध है तो दूध ज़रूर खाना, ठीक है। और सब्जियां सबके घर में गांव साइड के बहुत सारे मेरे गांव में सब्जियां चास करते हैं, सब्जियां एक एक दो खाना फूलकोपी आलू कोपी बंधा कोपी जो कहते हैं उसे ज़रूर खाना। अगर बंगाल का कोई भी साथी है तो मैंने ये कहना चाहता हूँ रनिंग करें और रनिंग के लिए अच्छी डाइट का भी पालन करें। मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाइट का वीडियो है रनिंग के वीडियो है, तो मेरे बहुत साथियों मुझे सपोर्ट भी किया इसलिए मैंने ये वीडियो आज को डिटेल्स फुल के बारे डिटेल्स फुल 1600 मीटर रनिंग के लिए ज़बरदस्त डाइट आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरा मिलिट्री तो जितने भी सारे पोस्ट है उसके लिए अगर फौज में जाना चाहते हैं तो ये डाइट प्लान करो और अपने रनिंग को ज़बरदस्त बनाओ। और देखो ऐसा भी साथियों का ज़्यादा हाइट नहीं है, हाइट नहीं है तो क्या करें, वो फौज में नहीं जा पाएंगे, उसका सपना कि अभी चुर चुर करके बिखर जाएंगे। तो ज़्यादा आप डाइट करें ज़्यादा रनिंग करें, अगर हाइट नहीं है तो हाइट के लिए पुलअप ज़रूर करें, ABC करें रनिंग के लिए, रनिंग का ताकत पर बनाइए लेग ताकत पर बनाइए, मैं ही आपसे दुआ करता हूँ। और खाना अच्छी तरह से खाओ, होटल का खाना मत खाओ और फैट जाती है जिनिस ना खाओ, अगर पेट में फैट हो गया तो फैट का काम करो और अपना रनिंग करो, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, जॉइन करना।